नमस्कार साथियों, हिमाचली तड़का चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की खट्टी मीठी चटनी। आम की चटनी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा आम लिया है, जिसका पीलर से मैंने हल्का सा छिलका उतार के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसके लिए हमें हरी मिर्च, हींग, धनिया, चीनी आधी कटोरी, क्योंकि आम बहुत खट्टा है इसलिए मैंने चीनी थोड़ी बड़ी कटोरी में ली है, और नमक, जीरा और काली मिर्च को मैंने भून के पीस लिया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तेल हमारा अब गर्म हो चुका है, पहले मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। अब हरी मिर्च जो बारीक काट ली है, अभी थोड़ा ब्राउन होने देंगे इसको। अब मैं इसमें जीरा और काली मिर्च जो पीस के रखी थी, अब हमारा तड़का थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें हींग डालूंगी जो मैंने घोल के रखी है, और आम। अब हम इसको 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल कम आंच पे ढक देंगे। अब ये आम हमारे पकने लगे हैं। अब इसमें हम पानी की, जितना हमने आम रखे थे उतने ही कटोरी पानी की डाल देंगे। और मैं इसमें कलर की थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, कलर भी अच्छा आएगा और ठीक भी लगेंगे। ज़्यादा तीखा करने के लिए इसमें लाल मिर्च, चटपटी चटनी अगर चाहिए तो आप डाल लें, नहीं तो थोड़ी हरी मिर्च से ही काम चल जाएगा। और इसमें नमक, जब हमारे आम थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। अब हमारे आम बिल्कुल तैयार हैं और इस तरह से देख बिल्कुल पक चुके हैं, इस तरह से बिल्कुल ब्रेक हो रहा चम्मच से। तो अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। अब हम इसको फिर बिल्कुल कम आंच पे 4-5 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये बिल्कुल चीनी और ये आम बिल्कुल मिल ना जाए। देखिए अब हमारी ये चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गैस बंद करके ठंडी होने देते हैं। इसको आप परांठे के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ, किसी भी दाल के साथ ले सकते हैं। बहुत खट्टी मीठी, बहुत टेस्टी है और आपको जरूर अच्छी। उम्मीद है आपको ये आम की खट्टी मीठी चटनी बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।